गांधीनगरमां विधानसभामां धारासभ्योना शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर तरीके धारासभ्य योगेश पटेल ने राजभवन खाते शपथ लीधा छे। आचार्य देवव्रते योगेश पटेल ने प्रोटेम स्पीकर तरीके शपथ लेवड़ाव्या हता। आ समय सीएम भूपेन्द्र पटेल, संसदीय बाबतोना प्रधान ऋषिकेश पटेल, प्रधानमंडळना सभ्यो तेमज राज्य सरकारना सचिवो उपस्थित रह्या। प्रोटेम स्पीकर तरीके योगेश पटेले शपथ लेता सीएम अने राज्यपाले शुभेच्छाओ पाठवी हती। गांधीनगर में भाजपा चूंटायेला धारासभ्यों ने विधानसभा में शपथविधि पहला भाजप पक्ष की बैठक योजाई थी। विधानसभा भवन चौथा माड़े भाजप पक्ष की बैठक योजाई जेमां भाजपा चूंटायेला तमाम 156 धारासभ्य उपस्थित रहा था। बैठक में प्रदेश भाजप प्रमुख सीआर पाटिल, रत्नाकरजी, सीएम सहित लोग उपस्थित रहा था। राज्य में नवी सरकार में सौथी वधु केस धरावता धारासभ्य में विरमगाम हार्दिक पटेल नो समावेश थाय छे। हवे ते धारासभ्य बन्या छे। पाटीदार आंदोलन वखत ना केस परत खेंचवा पर पण तेमणे प्रतिक्रिया आपी अने ऋषिकेश पटेल साथे वातचीत थई छे। आगामी समय में पाटीदार आंदोलन ना केस परत खेंचाशे तेवो विश्वास दाखव्यो हतो। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष तरीके शंकर चौधरी ने उपाध्यक्ष तरीके जेठा भरवाड़ी फॉर्म भर्यु। गुजरात विधानसभा में आवेली सचिव डीएम पटेल की ऑफिस में शंकर चौधरी ने जेठा भरवाड़ी फॉर्म भर्यु। आ समय प्रदेश भाजप प्रमुख सीआर पाटिल, सीएम भूपेन्द्र पटेल, संसदीय बाबतों प्रधान ऋषिकेश पटेल उपस्थित था। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष तरीके शंकर चौधरी ने उपाध्यक्ष तरीके जेठा भरवाड़ी नाम की पसंदगी कर। वांसदा तालुका में भाजपा हारेला उम्मीदवार पीयूष पटेल निवेदन की गरमाव आयो। पीयूष पटेले भाजपा शासन में लागू दारूबंदी की पोल खोली नाखी है। तमने जणाव्यु छे के वांसदा तालुका में दारू जुगारना अड्डाओ बंद नहीं करवामां आवे तो महिलाओं साथ जनता रेड करवामां आवशे। पीयूष पटेले जणाव्यु के दारू और जुगारना कारण गरीब आदिवासी प्रजा पायमाल थई रही है। 15 दिवस में जो पुलिस द्वारा कोईपण प्रकार की कार्यवाही करवामां नहीं आवे तो महिलाओं ने साथ राखी जनता रेड करवामां आवशे। मोरबी धारासभ्य कांति अमृतियाए झूलता पुल दुर्घटना मामले जणाव्यु हतु के मोरबी घटना मामले तमाम ने सहाय चुकवाई गई है। गौतम अदाणीए तमाम बाळकों ने अभ्यास माटे 25 लाख चुकव्या छे तेमज पोलीस द्वारा योग्य कार्यवाही करवामां आवी रही छे। मोरबी में झूलता ब्रिज दुर्घटना बाद नगरपालिका ने सुपरसीड एटले के विसर्जन करवानो निर्णय करवामां आव्यो छे। जो कि नगरपालिका ने सुपरसीड न करवामां आवे तेवी रजूआत करवा मोरबी 52-40 सभ्यो गांधीनगर पहोंच्या। गांधीनगर पहोंचेला मोरबी नगरपालिका सभ्यो सीएम साथे मुलाकात करशे। पालिका सुपरसीड न करवामां आवे तेवी रजूआत करशे। મહેસાણામાં ઓએનજીસીની બેદરકારી સામે સ્થાનિકોએ વિરોધ પ્રદર્શન કરી અને રસ્તો રોક્યો હતો। સ્થાનિકોએ વાહનો રોકી અને બાલસાસણથી મહેમદપુરનો રોડ બનાવવા માટે માંગણી કરી હતી। નોંધનીય છે કે ઓએનજીસીના ભારે વાહનોથી રોડ તૂટી જતા સ્થાનિકોએ વર્ષ 2017માં રોડ બનાવવાની માંગ કરી હતી। ઓએનજીસીના અધિકારીઓ દ્વારા કામગીરી ન કરવામાં આવતા સ્થાનિકોએ ભારે રોષ સાથે રોડ રોકી અને પ્રદર્શન કર્યું હતું। विधर्मी युवक द्वारा हिंदू युवतियों ने भगाड़ी जवाना किस्सा में सूरत में विरोध प्रदर्शन योजायो हतो। सूरत ना कतारगाम स्थित बापा सीताराम चौक खाते हिंदू हितरक्षक मंडल द्वारा विरोध प्रदर्शन योजायो हतो। विधर्मीओ सामे सूत्रोच्चार साथे विरोध दर्शाव्यो हतो। सागबारा हाईवे रोड पर नवनिर्मित आरटीओ चेकपोस्ट करोड़ों खर्चे तैयार करवामां आव्युं छे। सरकारे तेनुं लोकार्पण कर्या वगर धूळ खाई रह्युं छे। आरटीओ चेकपोस्ट शोभाना काठिया समान साबित थयुं छे। नवनिर्मित आरटीओ चेकपोस्ट असामाजिक तत्वोनो अड्डो बनी गयो छे। सरकारी मकाननी अवदशा थई छे। सरकारी मकाननी दुर्दशा थई चूकी छे। करोड़ों रूपियाना सरकारी संपत्ति लावारिस हालतमां पड्या छे। राजकोट में दिवायत खवड़ और साथियों द्वारा मयूरसिंह राणा पर हमलो करवाना मामले लोक साहित्यकार दिवायत खवड़ना 2 दिवस रिमांड आज पूर्ण थशे। नोंधनीय छे कि दिवायत खवड़े 10 दिवस बाद पुलिस समक्ष सरेन्डर कर्युं हतुं अने बाद में कोर्टे दिवायत खवड़ सहित 3 आरोपियों रिमांड मंजूर कराया। जो कि हवे आज आ रिमांड पूर्ण थशे। दिवायत खवड़ ने गमे त्यारे कोर्ट में रजू कराई शके छे। ज्यां तेने जामीन मळे छे के नहीं तेना पर सौ कोईनी नजर छे। राजकोटना धोराजी मार्केटयार्ड में कपास की पुष्क आवक थी। कपास की वधु आवक थी मार्केटयार्ड उभरायू है। खेडूतों ने कपासना मंडी 1300-1350 रूपया भाव मिली रहा है। मार्केटयार्ड में भाव सारा मिलता होवा कपास की 1200 गुणी की आवक थी रही है। कपासना सतत गगड़ी रहे भाव की खेडूतों में रोष जोवा मळी रह्यो छे। गत वर्षे सरखामणी कपासना ओछा भाव मिली रहा होवानो खेडूतों आक्षेप कर्यो छे। खेडूतों नुं कहेवुं छे कि कपासना भाव 2000-2500 ने आसपास मळवा जोईए।
जूनागढ़ जिल्लाना ओजत बे डेममांथी सिंचाई माटे पाणी छोड़वामां आव्युं छे। शियाळु पाकने लईने पाणीनी आवश्यकता होवाथी डेमनी डाबा कांठा ने मुख्य केनाल मार्फत सिंचाई माटे पाणी छोड़वामां आवी रह्युं छे। ओजत बे डेममांथी पाणी छोड़ाता 5 ગામોને ખેડૂતોને લાભ મળશે। ખેડૂતોના હાલના પાકો અને આગામી વાવેતર માટે પણ આ પાણી ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે। जामनगर की जीजी होस्पिटल में जूनी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सुविधा नहीवत जेवी हती, त्यारे सरकार द्वारा आधुनिक फायर सिस्टम लगावानी कामगिरी हाथ धरवामां आवी छे। लगभग रूपया 8 करोड़ खर्चे फायर ने सिस्टम आखी जूनी बिल्डिंग में लगावी देवामां आवशे, जेथी फायर ने सुविधा आखी होस्पिटल में उपलब्ध थशे। राजकोट सहित सौराष्ट्रभर में छेल्ला घणा वर्षोथी विचोरीनु दूषण वधी रह्युं छे। ताजेतर में पीजीवीसीए लीचीना 8 महीना में सौराष्ट्रमांथी 131.87 करोड़ की वीजचोरी पकड़ाई है। महत्वनी बाबत यह है कि सौराष्ट्रमांथी जेटली वीजचोरी पकड़ाई है तेमांथी 21% वीजचोरी एकला राजकोट जिला में पकड़ाई रही है। पीजीवीसीएल एप्रिल थी नवम्बर दरमियान पकड़ेली वीजचोरी जाहिर करेला आंकड़ा दर्शाए कि सौराष्ट्र में कुल 4,29,286 वीज कनेक्शन तपासवामां आव्या हता, जेमांथी 49,988 ग्राहक पावर चोरी कर रहा हो ध्यान आवतुं हतुं, जेमने 131.78 करोड़ दंड फटकारवामां आव्या छे। गोधरा में रोकाणकारों करोड़ रूपयानु उठावण करनार पोस्ट ऑफिस एजेंट राजेश त्रिवेदी आगोधरा जामीन साथ पुलिस समक्ष हाजर थयो हतो। राजेश त्रिवेदी रोकाणकारों फ्लोक्यू फेरवी और गोधरा थी फरार थई गयो हतो। आगे 2012 में गोधरा बी डिविजन पुलिस मथके फरियाद नोंधाई थी। राजेश त्रिवेदी आगोधरा जामीन साथ गोधरा गुना में हाजर थे बाद कोर्ट में उपस्थित रहवा नोटिस आपी थी। राजेश त्रिवेदी कोर्ट में हाजर थता आज तपास अधिकारी कोर्ट समक्ष रिमांडनी मांगणी करी हती। लीमड़ी पुलिस सुथारवासा गांव में एम्बुलेंस में दारू की हेराफेरी करता एक शख्स ने झड़पी पड़ा तो पुलिस रूपया 59,000 दारू तेज एम्बुलेंस मिली कुल 7,00,000 नो मुद्दा माल जप्त कर आरोपी सामे गुनो दाखिल कर वधु कार्यवाही हाथ धरी छे। विसावदर तालुकाना कालसारी गामना उपसरपंचे गाड़ी धीमी चलावानुं कहेवा बाबतनो खार राखी अने लाकड़ी पाइप वडे हुमलो थता तेने सारवार माटे खसेडवामां आव्या हता। हुमलानी घटना बाद कालसारी गाममां भारे रोष भभूकी उठ्यो हतो। लोकोना टोळामां पुलिस स्टेशन खाते अने उमटी पण पड्या हता। मोरबी नीलकंठ स्कूल में शिक्षके विद्यार्थी ने बेंच पर बेसवा बाबते ठपको आपी ढोरमार मार्यो, जेथी विद्यार्थी गंभीर रीते इजाग्रस्त थयो हतो। विद्यार्थी पिताए बी डिविजन पुलिस स्टेशन में शिक्षक सामे फरियाद नोंधावी छे। स्कूल शिक्षक गौतम सर सामे पुलिसे गुनो नोंधी वधु कार्यवाही हाथ धरी छे। जामनगर की जीजी होस्पिटल में एक महिला शंकास्पद हालत में मौत थयुं छे। आ महिला मानसिक विभाग वोर्ड में सारवार हेठळ हती। मळती माहिती प्रमाणे मानसिक विभाग वोर्ड में अन्य महिला दर्दी साथ झगड़ो थयो हतो, जेथी एक महिला दर्दी मधुबेन भट्टीजी ने कड़ू दबावी होवानो मरण करनारा पतिए पण आक्षेप कर्यो छे। त्यारे समग्र घटना अंगे पुलिस फरियाद आधारे तपास हाथ धरी रही छे। अमदावाद शहर में नवा समावेश करायेला बोपल और घुमा विस्तार में अकस्मात सर्जायो। स्पीड थी आती कार राहदारी ने ठोकर मारता काड़ू राखोड़िया नामना व्यक्ति घटनास्थले मौत निपजू। बनाव ने लेने पुलिस घटनास्थले पहुंची तपास ने हाथ धरी हती। गीर सोमनाथ उनाना लामधर गामे कार बैठा नाड़ा साथ अथड़ाता अकस्मात सर्जा हतो। घटना में बे व्यक्ति मौत निपजा था। मृतकों में एक व्यक्ति उनाना खाण गामनो वतनी हतो अने एक दिलवाड़ा गामनो रहवासी हतो। बनेना मौत मामले पुलिस घटनास्थले पहुंची तपास ने हाथ धरी छे। सूरतना सारोली विस्तार ढाबा में पिकअप वन घुसी जवानी घटना सामे आवी छे। बोलेरो पिकअप वन चालके स्टीयरिंग पर काबू गुमावता वन ढाबा में घुसी गई थी। ढाबा में मोटी दुर्घटना सर्जाता टड़ी थी। वाहन चालक घटना बाद फरार थयो हतो। समग्र घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद थी गई है। पुलिस समग्र घटना अंगे कार्यवाही हाथ धरी छे। सूरतना पांडेसरा विस्तार में सीटी बस चालके युवक ने अड़फेटे लेता मौत निपजू थू, जारे अन्य एक युवक नो बचाव थयो हतो। घटना ने लईने रोषे भरायेला लोकोए सीटी बस पर पत्थरमारो कर्यो। समग्र अकस्मात बनाव ने लईने पुलिसे तपास हाथ धरी छे। बनासकांठा कांकरेजना खीमाड़ा में मोड़ी रात्रे तस्करो त्राटक्या हता। कांकरेजना कांग्रेस जिला पंचायत सभ्य ईश्वर देसाई घरे दागीना और अंदाजे 5,00,000 की रोकड़ रकम की चोरी करी तस्करो फरार थई गया हता। तस्करोए सीसीटीवी कैमरा तोड़ी समग्र चोरी ने अंजाम आप्यो हतो। भाजप शासित कायदो अने व्यवस्था की स्थिति खोरवाई होवाना जिला पंचायत सभ्य आक्षेप कर्या छे। श्री होरी पोलीसे चोरी की फरियाद नोंधी वधु कार्यवाही हाथ धरी छे। अमदावादना ओढ़ोमां दूधनी लूटनो बनाव बनवा पाम्यो छे। बाइक पर आवेला विसक्षुए वेपारीने छरी बतावी हती। रूपया 3,700 वधुना 120 थेली दूधनी लूट चलावामां आवी छे। ओढ़ो पोलीसे गुनो नोंधी वधु तपासने हाथ धरी छे।
सूरत शहेरना खतरगाम विस्तार में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद थी। खतरगाम में आवेली वैकुंठधाम सोसायटी में रात्रि समय बाइक चोरी कर एक किसम फरार थी गयो। पुलिस सीसीटीवी आधार तपास में हाथ धरी। बोटाद में बाड़क उठावी जती शंकास्पद महिला ने झड़पी पाड़वामां आवी छे। भाभण रोड पर गोपीनाथ जी सोसायटी में महिला पहुंची ते दरमियान बाड़की बुमाबूम करता रईशो एकठा थया हता। त्यारबाद महिला की पूछपरछ करता महिला गोड़गोड़ जवाब आपती होवाथी रईशोए पुलिस ने जाण करी। पुलिस सोसायटी में पहुंची महिला की धरपकड़ करी आगळनी कार्यवाही हाथ धरी छे। सूरत कांकरेजना खोलवड़ गामे तापी नदी ना नबड़ा पुल पर लोखंड की गडर साथ पिकअप बॉलर फसाई थी जेने कारण ब्रिज पर लांबो ट्राफिक जाम थयो हतो। पुल पर भारे वाहनों ना प्रवेश पर प्रतिबंध होवा छतां बॉलरो गाड़ी लई आवता ब्रिज पर फसाई गई हती। अमदावादना दुधेश्वर रोड पर लुखा तत्वों आतंक सीसीटीवी में कैद थयो। कमाल धोबीनी चाली में रहते अब्दुल नामनो शख्स खुली तलवार लईने विस्तार में लोगों ने डरावी रह्यो छे जेना कारणे स्थानिक रहीशो परेशान थया छे। वायरल सीसीटीवी आधारे पोलीसे तपास शुरू करी छे। वलसाडना पारडी में फरतो दीपड़ो पांजरेपुर आयो छे। थोड़ा दिवस अगाउ श्वानो शिकार कर्यो हतो जेने लईने वन विभागे समग्र विस्तार में पांजरा तेमज दीपड़ा की गतिविधि चेक करवा वन विभागे सीसीटीवी पण गोठव्या हता। माक्षरवध एकादशी स्वामीनारायण मंदिर कुमकुम मणिनगर में स्वामीनारायण महामंत्र की 221मी जयंती की उजवणी करवामां आवी। अलग अलग 40 भाषा में स्वामीनारायण महामंत्र अंकित थयेलो 6 फूट लंबाई धरावतो विशाळ पत्र भगवान चरणों में अर्पण करवामां आव्यो। कुमकुम मंदिर साधु प्रेम वत्सल दास जीए जणाव्युं के फणेणी गाम में पोताना आश्रितों ने मंत्र जाप माटे स्वामीनारायण नाम अपायुं छे त्यारथी स्वामीनारायण संप्रदाय प्रसिद्ध थयो। जूनागढ़ गिरनारना 10,000 पगथिया चढ़वा सक्षम लोग माटे पण पड़कारजनक छे। 80% जेटला लोग विकलांगता धरावता विपुलभाई सड़सड़ाट गिरनार चढ़ीने सौ कोई ने अचंभामां मूकी दीधा छे। मूळ अमरेली जिल्लाना चामड गामना वतनी अने छेल्ला 14 वर्षथी राजकोटमां वसीने वेब डिजाइनिंग करता विपुलभाईए पोतानी विकलांगता अने व्यवस्था न समजी अत्यार सुधीमां एक बे वखत नहीं परंतु आ रीते 8 वखत गिरनार सर करीने शारीरिक रीते असक्षम व्यक्तिओने प्रेरणा पूरी पाड़ी छे। जसदण नजीक आवेला सौराष्ट्रना सुप्रसिद्ध गेला सोमनाथ महादेवनुं महत्व अने महात्म्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जेटलुं ज अनन्य छे। परिणामे बारेमास गेला सोमनाथ महादेव मंदिरे भाविकोनी भीड़ रहती होय छे। दादाने भाविको द्वारा जड़ाभिषेक सहित पूजा अर्चना करवामां आवता होय छे। गेला सोमनाथ महादेव मंदिरमां ट्रस्टना उपाध्यक्ष अने जसदणना नायब कलेक्टर द्वारा गेला सोमनाथ महादेवने जड़ाभिषेक करवा माटे रूपिया 351 ની પહોંચ પડાવવી પડશે બોર્ડ પર લગાવવામાં આવ્યું છે અને શિવભક્તોમાં પણ હવે આને લઈને ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો। एंटीबायोटिक दवानी जागरूकता अंगे अभियान शुरू करवामां आव्युं छे। डॉक्टरनी सलाह लीधा वगर दवाओ शरीरमां आडअसर करे छे ते अंगेनी जामनगर मेडिकल कॉलेजना विद्यार्थीओना अने प्राध्यापकोए जागरूकता अभियान कर्युं छे। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना चैम्पियन बन्यू छे। मेसीनुं सपनुं पूर्ण थयुं। रोमांचक फाइनल में फ्रांस सामे अर्जेंटीनानो पेनल्टी शूटआउट में विजय थयो। त्रीजी वक्त वर्ल्ड कप जीतीने अर्जेंटीनाए इतिहास रच्यो छे। आ पहेला अर्जेंटीनाए 1978 अने 1986 में बे वक्त वर्ल्ड कप जीत्यो हतो। रोमांचक मैच में बंने टीमोए एक्स्ट्रा टाइम में पण शानदार प्रदर्शन करता कोई परिणाम आव्युं न हतुं अने आखरे मैच पेनल्टी शूटआउट में गई हती जेमां अर्जेंटीनाए शानदार परफोर्मन्स दिखाड़ता 4-2 फ्रांसने हराव्युं हतुं। एक्स्ट्रा टाइम में मेसी अने एम्बपाए पण फरी कमाल कर्यो। सेकेंड हाफ में पण अर्जेंटीनानी गेम आक्रमक रही थी। एवं लागतुं हतुं के अर्जेंटीना माटे आ गेम सरळ छे। फ्रांसना स्टार प्लेयरे 80 અને 81મી मिनिट उपर उपराउपरी गोल करी अने मैच रोमांचक मूड पर लावी दीधी हती। एकवीस वर्षीय लांबी राह बाद भारते मिसेस वर्ल्ड नो खिताब पोताना नामे कर्यो छे। सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड 2022 नी विजेता बनी छे। अमेरिका में मिसेस वर्ल्ड 2022 इवेंट नुं आयोजन करवामां आव्युं जेमां बॉलीवुड ना मोटा स्टार्से पण भाग लीधो हतो। 21 वर्ष बाद ज्यारे मिसेस वर्ल्ड नो खिताब भारतना नामे थयो त्यारे सरगम कौशल स्टेज पर खूब ज भावुक जोवा मळी। सरगम नो एक वीडियो पण वायरल थई रह्यो छे सोशियल मीडिया पर। वीडियो में सरगम ताज पहेरीने रड़ती नजरे पड़े छे। मिसेस वर्ल्ड 2022 नुं ताज जीत्या बाद सरगम कौशल ने सेलेब्स से अभिनंदन पाठवी रह्या छे। अदिति गौरविकर सोहा अली खान विवेक ओबेरॉय और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पण सरगम कौशल ने जीत बदल अभिनंदन पाठवामां आव्या छे। उल्लेखनीय छे कि अदिति गौरविकर वर्ष 2001 में मिसेस वर्ल्ड बनी हती।
केंद्रीय प्रधान अनुराग ठाकुरे आतंकवाद मुद्दे प्रतिक्रिया आपी छे। तेमणे कह्युं आतंकवाद सामे पीएम मोदीए दुनिया ने एकजूट करी छे। भारते आतंकवाद सामे झीरो टॉलरन्स नीति राखी छे। 2014 जम्मू काश्मीरमां आतंकवादी हुमलानी घटना ओछी बनी छे। पूर्वोत्तरमां पण उग्रवादीओना हुमलानी घटनामां घटाडो थयो छे। चीनमां फरी एकवार कोरोनानो कहर वधी रह्यो छे। लोको पोतानो जीव बचाववा माटे पोताना घरमां कैद करी रह्या छे। रोड रस्ताओ अने सन्नाटो जोवा मळी रह्यो छे। चीनना केटलाक विस्तारो एवा छे कि ज्यां कोविडना केसोमां भરકમ વધારો થઈ રહ્યો છે। હોસ્પિટલમાં એન્ટીજન ટેસ્ટ કીટની અછત છે। સ્મશાન પર લાંબી કતારો લાગે છે। ચીનના મુખ્ય રોગચાળાના નિષ્ણાતે જણાવ્યું કે કોરોનાના ત્રણ કહેર આવશે। પ્રથમ ક્રિસમસ, પછી બીજો નવા વર્ષ, પછી અને ત્રીજો ચંદ્રનું નવું વર્ષનો સમય રહેશે। લોકોએ ભારે વિરોધ કર્યા પછી ચીન સરકારે ઝીરો કોવિડ પોલિસી બંધ કરી છે। જોકે બંધ કર્યા બાદ કોરોનાના ગ્રાફ અણધાર્યા રીતે વધી રહ્યા છે। નોર્થ ઇસ્ટ સ્ટેટની મુલાકાત દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 6,800 કરોડ રૂપિયાથી વધુના પ્રોજેક્ટ્સ માટે શિલાન્યાસ અને ઉદઘાટન કર્યું છે। નોર્થ ઇસ્ટર્ન કાઉન્સિલની સુવર્ણ જયંતી સમારોહમાં પીએમ મોદી ઉપરાંત ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, પૂર્વોત્તર રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓ હાજર રહ્યા હતા। પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ મેઘાલયમાં ખુલ્લા શબ્દમાં કહ્યું કે અગાઉની સરકારની આ વિચારસરણીને કારણે ઉત્તર પૂર્વ સહિત દેશના અનેક સરહદી વિસ્તારોમાં કનેક્ટિવિટી સુધારી શકાઈ ન હતી। જોકે આજે નવા રસ્તાઓ, નવી ટનલ, નવા પુલ, નવી રેલ લાઇન, નવી એરપોર્ટ બનાવવાની જરૂર છે। વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે અમે ઉત્તર પૂર્વમાં વિવાદોની સરહદોને વિકાસના કોરિડોર બનાવી રહ્યા છીએ। શિલોંગમાં નોર્થ ઇસ્ટર્ન કાઉન્સિલના 50 વર્ષ પૂર્ણ થવા નિમિત્તે આયોજિત ગોલ્ડન જ્યુબિલી કાર્યક્રમમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ સામેલ થયા હતા। કાર્યક્રમમાં અમિત શાહે કહ્યું કે ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યો હિંસા અને અલગતાવાદ માટે જાણીતા હતા, પરંતુ છેલ્લા 8 વર્ષમાં વિદ્રોહની ઘટનાઓમાં 74% ઘટાડો થયો છે। સુરક્ષા કર્મચારીઓ પરના હુમલામાં 60% ઘટાડો થયો છે, જ્યારે નાગરિકોની જાનહાનીમાં 89% ઘટાડો થયો છે। ભારત ચીન વચ્ચે ચાલતા સરહદી તણાવની વચ્ચે દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલનું ચીનને લઈને નિવેદન સામે આવ્યું છે। અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું કે ચીન આપણને આંખું બતાવી રહ્યું છે, ચાશવારે હુમલા કરી રહ્યું છે। ભારત સરકાર કહી રહી છે કે બધું ઠીક છે, કેન્દ્ર સરકારે આખરું વલણ દાખવવું જોઈએ, આપણે ચીનનો સામાન ખરીદવાનું બંધ કરવું જોઈએ। કેજરીવાલે કેન્દ્ર સરકારને ચીનના સામાનને ઇમ્પોર્ટ પર પ્રતિબંધ લગાવવાની પણ માંગ કરી છે। ચીનના વિસ્તરણવાદનો પ્રયાસ અને આતંકવાદને પાકિસ્તાનનું સમર્થન એ આદત બની ગઈ છે। અરુણાચલ પ્રદેશમાં ચીની સૈનિકોને ભારતીય ક્ષેત્રમાં ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યો છે। દરમિયાન ચીન અને તેના સર્વકાલીન સાથી પાકિસ્તાનના સ્પષ્ટ સંદર્ભમાં સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે ભારતીય સેના લશ્કરી આધુનિકીકરણ અને ભારતના વિરોધીઓ દ્વારા આક્રમક કાર્યવાહીના પરિણામે તમામ પ્રકારની સૈન્ય પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે। પંજાબ બોર્ડર પર ધુમ્મસનો ફાયદો ઉઠાવીને પાકિસ્તાની દાણચોરો સતત પોતાનો નાપાક પ્રયાસોને અંજામ આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। ગુરદાસપુર સેક્ટર હેઠળના બીઓપી ચંદુવડલામાં પણ ડ્રોનની હિલચાલ જોવા મળી હતી। બટાલિયન 89ના સૈનિકો પેટ્રોલિંગમાં હતા, ડ્રોનનો અવાજ સાંભળતા જવાનોએ ફાયરિંગ શરૂ કરી દીધું હતું। જવાનોએ લગભગ 40 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું, એટલું જ નહીં, ડ્રોનની હિલચાલ જાણવા માટે 6 હળવા લાઇટ બોમ્બ પણ છોડવામાં આવ્યા હતા, જે બાદ વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ આ અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી। શરમ અને પાકિસ્તાન એકબીજાના કેટલાક વિરોધાભાસી છે, તેનું ઉદાહરણ પાકિસ્તાનની અનેક મંત્રી શાઝિયા મારીએ રજૂ કર્યું છે। પહેલા તો શાઝિયા મારીએ બિલાવલ ભૂટોના નિવેદનનું સમર્થન કર્યું, ત્યારબાદ પાકિસ્તાનની એક ખાનગી ટીવી ચેનલ પર બોલતા ભારતને પરમાણુ બોમ્બની ધમકી આપી આ વિવાદ મુદ્દે શાઝિયા મારીએ પોતાના નિવેદન પરથી યુટર્ન લીધો અને પાકિસ્તાનને એક જવાબદાર પરમાણુ રાષ્ટ્ર ગણાવ્યું। ભારતના રાજકીય પક્ષોએ અંગે આખરી પ્રતિક્રિયા આપી અને પાકિસ્તાનની ધોલાઈ કરી છે। દિલ્હીમાં એઇમ્સના સર્વર પર સાયબર એટેકના મામલે પોલીસે ઇન્ટરપોલ દ્વારા ચીન પાસેથી હેકર્સની માહિતી માંગી છે। આ માટે દિલ્હી પોલીસે સીબીઆઈને પત્ર પણ લખ્યો હતો। આ પત્રમાં દિલ્હી પોલીસે આઈપી એડ્રેસની માહિતી માંગી હતી, જેનાથી હેકર્સે મેઇલ કર્યા હતા। પૂછવામાં આવ્યું હતું કે આ આઈપી એડ્રેસ કોને આપવામાં આવ્યા છે, કોઈ કંપની તેનો ઉપયોગ કરી રહી છે કે ખાનગી વ્યક્તિ। ચીનમાં ઇન્ટરનેટ પૂરી પાડતી કંપની પાસેથી માહિતી માંગવામાં આવી છે। ભારતીય નેવીમાં આઈએનએસ મોરમુગાઉ સામેલ થયું છે। સ્વદેશી ગાઈડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયરના કમિશન થવાની સાથે જ ભારતની સમુદ્રીય યુદ્ધ શક્તિ ઘણી વધી જશે। આઈએનએસ મોરમુગાઉમાં 75% ઉપકરણો અને હથિયાર જે ભારતમાં બનાવવામાં આવ્યા છે। મુંબઈમાં રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહના હસ્તે ઇન્ડિયન નેવીમાં આઈએનએસ મોરમુગાઉને સોંપવામાં આવ્યું છે। મુંબઈના મઝગાવ ડોકયાર્ડ લિમિટેડમાં પ્રોજેક્ટ 15B અંતર્ગત કુલ 35,800 કરોડ રૂપિયાની કિંમતે બનાવવામાં આવી રહેલા 4 વિશાખાપટ્ટનમ શ્રેણીના ડિસ્ટ્રોયર્સ આઈએનએસ મોરમુગાઉ બીજું છે તેમાંથી।
गुजरात विधानसभा की चूंटणी में आम आदमी पार्टी राज्य की कुल 182 बैठकों में 5 बैठकों जीती है। दिल्ली में आयोजित आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले कहा कि थोड़ा दिवस पहला गुजरात में योग्य रीते चूंटणी लड़ा है। अमरी पास 14% वोटशेर है, 5 धारासभ्य है। वधु में जणाव्यु 2007 में गुजरात में अपनी सरकार बनशे। ₹200 करोड़ छेतरपिंडी आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखरे दिल्ली के मुख्यप्रधान अरविंद केजरीवाल पर मोटा आरोप लगाया है। सुकेश चंद्रशेखरे दावो कर केजरीवाल तरफ से दबाण कर पहला जो पत्र लख्या था भाजपा में दबाण आने लख्या हो कहूं केजरीवाले और दबाण कर रहा हो आरोप लगा। शिवसेना नेता संजय राउते रविवार कहूं प्रधान नरेन्द्र मोदी एक तरफ रशिया युक्रेन युद्ध में मध्यस्थी की बात करे परंतु महाराष्ट्र कर्नाटक सरहद विवाद की संपूर्ण अवगणना करे जो सारा नेता की निशानी नहीं। मुखपत्र सामान में प्रकाशित साप्ताहिक कॉलम में राउते लिखा है कि आ सारी बात है कि केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह आ मुद्दा उकेल में पहल कर सवाल यह थे कि शू केन्द्र सरकार तटस्थ रीते वलण लेते मांग की थी कि संसदे सरहद विवाद उकेल शोधवो जो। अभिनेता कमल हासन 24 डिसेम्बरे भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ाश। अभिनेता में राजकारणी बनेला कमल हासन आता अठवाडिये राहुल गांधी की साथ दिल्ली जशे। तेमनी पार्टी मक्कल निधि मई अमनुसार राहुल द्वारा सुपरस्टार की यात्रा में शामिल थवा माटे आमंत्रण आपवामां आव्युं छे। भारत जोड़ो यात्रा 24 डिसेम्बरे दिल्ली में प्रवेश करशे। लगभग 8 दिवस विराम बाद आता महीने जम्मू कश्मीर में प्रवेशता पहला भाजपा नेतृत्व हेठना उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब में पसार थशे। भारत मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़े प्रेम प्रकरण और आ उपरांत आंतरजातीय लग्न ने देश में ऑनर किलिंग कारण गणाव्यू है। तेमणे कह्युं देश में दर वर्षे सैकड़ों युवाओं प्रेम प्रकरण अथवा अन्य जाति में लग्न कारण मौत ने भेटे है। आंगे तेमणे दुःख पण व्यक्त कर्युं। जस्टिस चंद्रचूड़ मुंबई में भूतपूर्व एटर्नी जनरल अशोक देसाई की 90मी जन्म जयंति निमित्त कार्यक्रम में बोली रहा था। नैतिकता एक एवो ख्याल है जो व्यक्ति व्यक्ति ने बदले है। सीजीआई 1991 एक लेख नो उल्लेख पण तेमां कर्यो हतो। झारखंड साहिबगंज जिला में दिल्ली की श्रद्धा की हत्या जो मामलो सामव्यो एक आदिवासी व्यक्ति बीजी पत्नी की हत्या कर शरीर टुकड़ा कर नाख्या था। पुलिस अधिकारी जणाव्यु हतु साहिबगंज की 22 वर्ष की आदिवासी महिला मृतदेह 12 टुकड़ाओ मळी आव्या छे। मृतदेह माथा सहित केटलाक भागों की हजू पण शोध चाली रही है। आरोपी पति दिलावर अंसारी ने कस्टडी में लेवामां आव्यो छे। मृतक बीजी पत्नी थी।